प्रश्नावली 12.2 दसवां प्रश्न की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, एक छतरी इस प्रकार से दे रखी है जिसको 8 ताने इस प्रकार से काट रहे हैं, जो एक वृत्त के आकार की है। नीचे से छतरी वृत्त के आकार की दिखाई देती है ना, और इसके ताना 45 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अर्थात एक त्रिज्याखंड ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या पता है और दूसरा क्या पता होना जरूरी है, इनके बीच का कोण, जो केंद्र पर ये त्रिज्याएं बना रही हैं या ये ताने बना रहे हैं। हमें एक कोण ये ज्ञात करना, कोई भी एक कोण, क्योंकि सारे कोण समान है ये। अब एक कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा कोण 360 डिग्री का होता है और कितने भागों में बटा हुआ है ये, 8 भागों में। तो 360 डिग्री को हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। देखिए देखो, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो एक कोण कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का। तो हम लिखेंगे दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल, वो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की शक्ति 2। निकाल लेते हैं, थीटा कितना है, 45 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा कितना है पाई का मान, 22/7, और आर कितना है हमारे पास, 45 गुणा 45, आर की शक्ति 2 था हमारे पास ये। अब देखो कितने पे कटेगा ये, 9 पे 9 पंजे 45, ये 40 आ गया, 5 से 5 5 5 8 40, 2 से 11 2 से 4, इनकी गुना करके जब हम लिखेंगे 22,275 बटे हमारे पास 7 चौके 28, इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका अक्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। हमें जब दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है जिसका सूत्र हमें पता है, त्रिज्या हमें पता है, सिर्फ कोण निकालना है। 360 डिग्री को 8 बराबर भागों में बांटा है, तो 8 से भाग दे के हम 45 डिग्री का कोण हमारे पास आ गया, और यहां रखे हमने दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, कार तो आप लोगों ने देखी होगी, कार के आगे दो वाइपर होते हैं जो इस प्रकार से साफ करते हैं शीशे को, और वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, या उनका जो एरिया जो साफ करते हैं वो कभी समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। यदि हम इस रूप में ले भी, हाँ ये इस रूप में साफ करेंगे, और कितने डिग्री के कोण पे हमारे साथ झुके हैं वो लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हमें वाइपर की लंबाई, जो वाइपर की लंबाई हमारे पास किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि जो वाइपर जो एरिया बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, त्रिज्याखंड के बराबर ही बनाएंगे ना। देखो जैसे त्रिज्याखंड बन रहा है, यहां से यहां तक पूरा एक त्रिज्याखंड ही बन रहा है, और इसका कोण भी वाइपर कितने डिग्री के कोण पे घूम रहा है, ठीक है ना, कितना है कोण वो, 115 डिग्री का, और हमारे पास वाइपर की लंबाई कितनी देखी है, 25 सेंटीमीटर। अब दो वाइपर लगे हुए हैं, एक वाइपर देखो इस प्रकार से एरिया साफ कर रहा है तो एक त्रिज्याखंड बना रहा है, दूसरा वाइपर भी इसी प्रकार से एरिया साफ कर रहा है तो वो दो त्रिज्याखंड बनाएंगे। तो दोनों वाइपरों द्वारा क्या साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल, जाने वाला क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे, है तो त्रिज्याखंड ही लेकिन दो हैं तो दुगुना हो जाएगा वो, थीटा बाय 360 डिग्री गुणा पाई आर की शक्ति 2 के। ठीक है, अब इसको करके देखें, 2 गुणा थीटा है 115 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 22/7 गुणा
त्रिज्या हमारे पास 25 गुना 25। देखिए कितने पे कटेगा, काट देते हैं इसको, 5 पे, 5 × 10 5 × 3 = 15, ये भी 5 पे, ये यहां से 5 पे, हमारे पास 5 × 7 = 35, 5 × 10 और 2 से ये 36 आ जाएगा, ये यहां से 11 हो जाएगा 2 पे और ये 18 × 36। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 23, इधर 23 बचा हुआ है, गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 और बटे 7 और 18, इनकी गुणा करके लिखते हैं, इनकी गुणा आई 158,125 बटे 126 और हमें इकाई सेंटीमीटर दे रखी है तो वर्ग सेंटीमीटर में। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सिर्फ इतना ही था, जो वाइपर की लंबाई, जो दो वाइपर है उनकी लंबाई समान है, वो त्रिज्या के बराबर होगी, थीटा हमारे पास 115 डिग्री का दे रखा है, तो दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल एक वाइपर का एक त्रिज्याखंड के बराबर, दूसरे वाइपर का दूसरे त्रिज्याखंड के बराबर और दोनों समान है, तो यहीं पे हमने डबल ले लिया उसको और डबल लेके इस प्रकार के इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। ठीक है, 12वें प्रश्न की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। इस प्रश्न के अंतर्गत क्या है कि जहाजों को चेतावनी देने के लिए समुद्र तट पर एक लाइट हाउस लगा हुआ होता है जिसपे एक लाइट लगी है, वो लाइट त्रिज्याखंड के इस प्रकार के आकार की है जो कितने डिग्री पे है हमारे पास है, वो 80 डिग्री पे यहाँ पे कोण दे रखा है और वो लाइट है जो कितनी दूर तक जाती है 16.5 किलोमीटर दूर तक वो लाइट जाती है। इस प्रकार वो लाइट यहां से भी वहां से भी बिल्कुल इस प्रकार, देखो आप ये देखिए कि इस प्रकार वो लाइट इतने एरिया को कवर करेगी समुद्र के अंदर, और वो लाइट जो होती है वो चेतावनी देने के लिए होती है। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने क्षेत्रफल में वो लाइट फैलेगी जहाजों को चेतावनी देने के लिए। तो सीधा वही बात है कि ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड बन रहा है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमारे पास है ही, त्रिज्या दे रखी है और थीटा दे रखा है, तो हम लिखेंगे समुद्र के भाग का क्षेत्रफल जहां लाइट पड़ती है, जहां लाइट पड़ेगी वहीं से तो चेतावनी दी जाएगी। ठीक है, वो हमारे पास कितना है, हमारे पास वही आ जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर की शक्ति 2 और थीटा हमारे पास कितना दे रखा है 80 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा इसमें पाई का मान 3.14 दे रखा है, पाई का मान 3.14 लेना है और आर दो बार है 16.5 गुणा 16.5। ठीक है, यहां से देखो कुछ कट रहा है, 0 से 0 काट दी, 4 × 8 4 × 36 इनकी गुणा करेंगे 2 × 3.14 की 16.5 और 16.5 की बटे 9 तो हमारे पास आ जाएगा 189.97, ये वर्ग किलोमीटर में है क्षेत्रफल क्योंकि हमें इकाई क्या दे रखी है किलोमीटर में। तो देखिए इनकी गुणा कीजिए, आप पहले इनकी गुणा कीजिए और फिर 9 से बाहर देके देखिए, यही उत्तर आपके पास आएगा इतने वर्ग किलोमीटर में। तो ये थे प्रश्नावली 12.2 के, 3 प्रश्न हमारे पास थे 10, 11 और 12 है।